बीते कई चुनाव में शायद ही ऐसा कभी हुआ है जब विपक्षी दल हारा हो और हार का ठीकरा ईवीएम पर न फोड़ा हो, इसलिए हर चुनाव में ईवीएम संदेह और विवाद का केंद्र रही है। इन्हीं आरोपों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले और तीन बड़े निर्देश दिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला रहा ईवीएम वीवीपैट की 100% पर्चियों पर मिलान के मुद्दे पर, जिस पर कई याचिकाएं भी आई थी। इन सभी याचिकाओं को जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दो टूक में ये कहते हुए खारिज कर दिया कि लोकतंत्र अपने कई स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पर आधारित है, इसलिए किसी भी प्रणाली पर आंख बूंद कर संदेह करना सही नहीं है। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इसे विपक्ष के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। प्रशांत भूषण ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पक्ष रखा और हर एक वोट को वीवीपैट सिस्टम की पर्चियों के साथ वेरीफाई कराने की मांग की थी। हालांकि क्रॉस वेरिफिकेशन का सिस्टम पहले से ही है और हर निर्वाचन क्षेत्र में रैंडम तरीके से चुनी गई 5 ईवीएम के वोट का पर्चियों से मिलान कराया जाता है। अब बात करते हैं उन तीन बड़े निर्देशों की जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दूसरा ये कि नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहें तो परिणाम आने के 7 दिन के अंदर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। इंजीनियरों की एक टीम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच करेगी, लेकिन ये जांच सिर्फ 5% ईवीएम में ही होगी। साथ ही वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्च उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। तीसरा बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया कि वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करें और इस पर भी विचार करें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड की भी व्यवस्था हो सकती है, जिससे जब पर्चियों की गिनती हो तो मशीन बार कोड से ही गिनती कर ले।